करिश्मा कपूर कर रही थी फिल्म की शूटिंग और फिर करिश्मा को फिल्म के डायरेक्टर ने लगाई डांट, जिसके बाद करिश्मा ने आओ देखा ना ताओ और सीधे फिल्म के सेट से रोती रोती घर चली गई। लेकिन एक ही शख्स था जो करिश्मा को मना बुझा के फिल्म के सेट पर ले आया। जी हाँ, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सलमान खान के फादर सलीम खान थे, जिन्होंने करिश्मा को ना सिर्फ मनाया बल्कि डायरेक्टर चिन्नी प्रकाश को भी करिश्मा से माफी मंगवाई। आखिर क्यों फिल्म के सेट पर भड़क गए थे डायरेक्टर साहब और दबंग खान के पापा ने कैसे मनाया करिश्मा को, आइए जानते हैं। दरअसल 1992 में आए फिल्म जिगर के सेट पर करिश्मा कपूर का झगड़ा डायरेक्टर कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश से हो गया था। अब आपको बताएं ये पूरा किस्सा तो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, करिश्मा जिगर की शूटिंग कर रही थी और इस फिल्म के गाने को चिन्नी प्रकाश और राजू खान कोरियोग्राफ कर रहे थे। अब हुआ यूं कि करिश्मा एक सॉन्ग शूट करते वक्त एक ऐसा स्टेप था जिसे वो बार बार गलत कर रही थी, लिहाजा इस पर चिन्नी प्रकाश का पारा गर्म हो गया और डायरेक्टर साहब करिश्मा पर भड़क उठे। फिर क्या था, मामले को तूल पकड़ते जरा भी देर नहीं लगी और कपूर खानदान की लाडली करिश्मा कपूर का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। लिहाजा इसके बाद करिश्मा तो रोती रोती फिल्म के सेट से घर चली गई और करिश्मा ने शूट को भी कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, करिश्मा का गुस्सा इतना हाई लेवल पर दिखा कि एक्ट्रेस का गुस्सा शांत करने के लिए इस झगड़े में फिल्म के प्रोड्यूसर और सलमान खान के फादर सलीम खान को भी कूदना पड़ा। सलमान के फादर ने करिश्मा को फोन करके समझाया, वहीं फिल्म के डायरेक्टर चिन्नी प्रकाश ने करिश्मा कपूर से अपॉलोजी भी की, तब जाकर एक्ट्रेस फिल्म की शूटिंग के लिए रेडी हुई। खैर, इस इंसिडेंट के बाद फिल्म इंडस्ट्री में ये खबर आग की तरह फैल गई कि करिश्मा कपूर बहुत जिद्दी हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।